वेलकम स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड थर्ड हिंदी चैप्टर टू, स्वास्थ्य ही धन है। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन दैट द चैप्टर एक्सप्लेनेशन ऑफ चैप्टर टू स्वास्थ्य ही धन है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट चैप्टर टू टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। शब्द अर्थ पेज नंबर 15। शब्द अर्थ स्वास्थ्य यानी सेहत मीन्स इंग्लिश में उसको बोलते हैं हेल्थ। प्रवेश यानी अंदर आना मीन्स एंटर। कीटाणु मीन्स सूक्ष्म कीड़े बैक्टीरिया। कीटाणु मीन्स ऐसे सूक्ष्म कीड़े मीन्स जो हमें हमारी आँखों से ऐसे ना दिखाई देते हो, जिसके लिए देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत पड़ती है, तो वो बैक्टीरिया। स्वच्छ यानी साफ सुथरा मीन्स क्लीन। सडन मीन्स सडना यानी डीके। सडन मीन्स कुछ जो ज़्यादा देर तक हम कुछ वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह सब आपने देखे होंगे कि ज़्यादा दिन तक पड़े रहे तो कैसे डिकेड हो जाते हैं मीन्स सड़ जाते हैं वो। विकास यानी बढ़ोतरी मीन्स ग्रोथ मीन्स प्रोग्रेस। श्रुतलेख हेतु मीन्स इसको बोलते और हमें सुनना है मीन्स बोलते जाओ सुनते जाओ, उसका प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरीके से हमारे आना चाहिए ऐसा। तो कीटाणु स्वास्थ्य प्रवेश बीमारियां गृह कार्य बुजुर्ग दृढ़ निश्चय स्वादानुसार व्यायाम देन अभ्यास। उसके ये मौखिक क्वेश्चन और इसके जो ये लिखित क्वेश्चन है वो सब हम नोटबुक एक्सरसाइज का वीडियो है उसमें देखेंगे। ओके देन ख दिए गए प्रश्नों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। एमसीक्यू है फर्स्ट सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं। क ऊनी ख रेशमी या ग सूती। कैसे कपड़े पहनते हैं ऊनी मीन्स जो वूल के होते हैं वो, रेशमी मीन्स सिल्क के होते हैं वो एंड सूती मीन्स सूतर के मीन्स कॉटन के होते हैं वो। तो सर्दियाँ मीन्स विंटर, विंटर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं ऊनी यानी वूल के। सेकंड स्वस्थ रहना जरूरी है ताकि हम क देर से उठे ख सेहतमंद बने ग आलसी बने। स्वास्थ्य रहना जरूरी है ताकि हम सेहतमंद बने। सुबह जल्दी उठने से क्या लाभ है। क स्फूर्ति मिलती है क स्फूर्ति मिलती है देन ख थकान महसूस होती है या फिर ग समय नष्ट होता है। क्या होता है सुबह जल्दी उठने से, हमें स्फूर्ति मिलती है। ओके सुबह जल्दी उठने से स्फूर्ति मिलती है देन भाषा की बात पढ़ो समझो और नए शब्द बनाओ। न्यू वर्ड्स हैं यहाँ पे तो उसमें फर्स्ट दिया है गुण प्लस वन तो क्या होगा गुणवान। देन सेकंड है पुष्ट प्लस इक तो क्या आएगा पौष्टिक। देन थर्ड है बल प्लस वन तो क्या आएगा बलवान। देन फोर्थ है राजनीति प्लस इक तो राजनैतिक। ओके ऐसे आपको न्यू वर्ड्स बनाने हैं। हाँ देन नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पहल प्लस वन पहलवान। सिक्स समाज प्लस इक तो सामाजिक। सेवंथ विद्या प्लस वन तो विद्यावान। एट भूगोल प्लस इक भौगोलिक। देखो यहाँ पे हमें ऐसा नहीं करना है देखो कि भूगोल भूगोलिक नहीं भौगोलिक। तो शब्द नए वर्ड बनाने हो जब ऐसे आपको ये दिया हो इसमें से ऐसे नए वर्ड बनाने के लिए दिया हो तब आप ये अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे कि भूगोलिक नहीं है भौगोलिक है। इसमें भी सामाजिक नहीं है सामाजिक है। ओके तो ये आप ध्यान रखो जैसे कि यहाँ पे देखो ये राजनीति इक बट हमें इसको बोलना कैसे है राजनैतिक। इसमें भी ऐसा देखो पुष्ट प्लस इक तो इसको कैसे बोलेंगे पौष्टिक बिल्कुल ऐसे। ओके नेक्स्ट है ख जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। विशेष्य प्रायः संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही होते हैं। देखो यहाँ पे दिया बताया गया हमें कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए मीन्स
ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता क्या है वो बताए, उसको विशेषण बोलते हैं, मीन्स एडजेक्टिव्स बोलते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। एंड विशेष्य प्राय हो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे कि मैं बोलूँ कि जेनिल जो है उसकी हाइट ज़्यादा है, मीन्स जेनिल की ऊंचाई ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, ऊंचाई जो है उसका विशेषण हुआ एंड जेनिल जो है वो उसका विशेष्य हुआ। क्यों? क्योंकि विशेषता हम किसकी बताते हैं, जेनिल की। विशेषता क्या है, ऊंचाई उसकी विशेषता है एंड किसकी, जेनिल की। तो विशेषता उसकी, विशेषण उसका क्या हुआ, ऊंचाई एंड विशेष्य उसका क्या हुआ, जेनिल। मीन्स जिसके बारे में हम बोलते हैं उसको विशेष्य बोलते हैं एंड उसकी जो क्वालिटी है उसको विशेषण बोलते हैं। तो इसमें है फर्स्ट, घोड़ा काला है। तो यहाँ पे दिखाया है कि अब विशेषण और विशेष्य को अलग अलग लिखो। तो यहाँ पे दिखाया है कि घोड़ा काला है, तो यहाँ पे विशेष्य एंड विशेषण, तो इसमें क्या होगा, काला। यहाँ पे देखो एडजेक्टिव क्या होगा, काला, मीन्स विशेषण क्या होगा, काला। तो हम विशेषण में क्या लिखेंगे, काला। और काला क्या है, घोड़ा काला है, तो वो विशेष्य हुआ। देन सेकंड, राजा बलशाली है। तो इसमें एडजेक्टिव आपको ढूंढना आना चाहिए कि एडजेक्टिव यानी विशेषता क्या है उसकी। हमने बोलते कि उसकी कुछ अच्छी क्वालिटीज़ है वो, तो इसमें बलशाली है वो उसका विशेष्य विशेषण है। बलशाली कौन है, राजा है, तो राजा उसका विशेष्य हुआ। मीन्स ये घोड़ा, राजा, वो सब नाउन या प्रोनाउन हुए, है ना, नाउन हुए ये सब, तो ये सब विशेष्य कहलाएंगे। थर्ड, तितली के पंख चमकीले हैं। इसमें क्या होगा, एडजेक्टिव चमकीले एडजेक्टिव होगा, ओके, तो उसका विशेषण है चमकीले। किसके पंख चमकीले, विशेष्य क्या है, पंख, पंख आएगा इसमें, चमकीला क्या है, पंख, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पंख। भारत महान देश है, तो महान जो है ये महान लिखा हुआ, ये उसकी विशेषता है, मीन्स ये विशेषण किसके बारे में कहा गया है, देश के बारे में, ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे देश। फिफ्थ, मैं होशियार छात्र हूँ। होशियार जो है ये यहाँ पे विशेषण हुआ, कौन होशियार है, ये छात्र, ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे विशेष्य में छात्र। ग, अ और अन लगाकर विलोम शब्द बनाओ, मीन्स ऑपोजिट बनाना है। जैसे कि अ प्लस स्वस्थ, तो यहाँ पे हमें एक करके ही दिया है, वन हैज़ बी डन फॉर अस, अस्वस्थ लिखा है। अ प्लस धर्म, धर्म लिखा है उसके आगे अ लिखना है एंड यहाँ पे शब्द पूरे करने हैं, अधर्म। सुंदर, इसमें आगे अ लगाना है, तो क्या होगा, असुंदर। लौकिक है, उसके आगे हम ये अ लगाए तो क्या होगा, अलौकिक। देन यहाँ पे ये, यहाँ पे अ लगाया तो यहाँ पे अन लगाना है, अन प्लस जान, तो क्या होगा, अनजान। देखो ये जान का ऑपोजिट हुआ ना, अनजान, जान का ऑपोजिट अनजान। तो चाहा, इसमें आगे अन लगाना है तो अनचाहा। बन, उसके आगे अन लगाना है तो अन बन। पढ़, उसके आगे अन लगाना है तो अन पढ़, ऐसे। ख, दिए गए शब्दों के तुक वाले शब्द लिखो, मीन्स राइमिंग वर्ड्स है, जिसको बोलने के लिए उसके समान प्रोनाउंसिएशन सेम जैसे लग रहे हो वो। तो उसका फर्स्ट है घूमना, तो उसका राइमिंग वर्ड्स होगा जूमना। सेकंड, हिलना, तो मिलना। थर्ड, पाना, तो जाना, या तो फिर खाना भी लिख सकते हैं। फोर्थ, समय, तो विस्मय। फिफ्थ, देखना, तो मेघना। सिक्स, शक्ति, तो भक्ति। ओके, ये थे राइमिंग वर्ड्स। देन नेक्स्ट, कला कौशल। कला कौशल और जीवन कौशल जो है वो आपको अपने आप करना है, फिर यहाँ पे हम गाइड करती हूँ मैं आपको कैसे करना है। फर्स्ट है, यदि आप शाकाहारी हैं तो शाकाहारी पौष्टिक भोजन का पोस्टर तैयार कीजिए। यदि आप मांसाहारी हैं तो मांसाहारी पौष्टिक भोजन का पोस्टर तैयार कीजिए। ये आपको करना होगा तो मैं आपको जो मैक क्लासरूम है हमारा उसमें बताऊंगी ये यदि करना होगा तो, ओके। सेकंड है, चित्र को देखकर उसके बारे में 5 पंक्तियाँ लिखें। ये क्या है, चित्र वर्णन यानी पिक्चर डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पे आप 5 पंक्तियाँ मीन्स 5 सेंटेंसेस लिखने हैं, तो आप उसमें क्या लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक बाग दिख रहा है, बाग में एक जो लड़की है वो जॉगिंग कर रही है, यहाँ पे एक जो बड़े एक दिख रहे हैं, ओके, एल्डर, वो क्या कर रहे हैं, वो योगासन कर रहे हैं। एक बॉय जो है वो
यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा है, यहाँ पे पक्षियों की पशु यहाँ पे पंखियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, सूरज जो है वो राइज हो रहा है, ओके। ये जो है बाग, उसका एटमॉस्फेयर भी बहुत ही खुशनुमा है। तो ये सब 5 सेंटेंसेस आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है जीवन कौशल, अपने फर्स्ट है उसमें, अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने आसपास और अपने शहर की सफाई का ध्यान आप कैसे रखेंगे, सोचो और अपने सुझाव लिखो। यहाँ पे क्या दिया है कि अपने घर की सफाई के साथ साथ अपने आसपास और शहर की सफाई का आप ध्यान कैसे रखोगे। देखो इसमें ये HOTSA यानी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल, तो इसमें हम क्या करेंगे कि घर की सफाई तो हमें रखनी ही है ना, घर में इधर उधर कचरा नहीं डालना है। कि चलो आप तो कई बार ऐसा होता है कि बैठे हो लिख रहे हो कुछ तो शार्पनिंग करो ना पेंसिल से, तो अपने बाजू में ही जहाँ पे भी देखा वहाँ पे वो शार्पनिंग का जो होता है ओके वो डाल देते हो, जो उसका निकलता है डस्ट वगैरह सब, वो तो वो क्या हुआ घर भी गंदा हो जाएगा, है ना। तो ये तो एक छोटी छोटी बात है, ऐसी कई सारी बातें जो हमें ध्यान रखे तो हमारा घर भी एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। और घर की सफाई के साथ साथ अपने आसपास और अपने शहर की सफाई कैसे करनी है। देखो अपने आसपास और शहर की सफाई में क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें शुरुआत हमसे करनी चाहिए, है ना। ऐसी प्रोवर्ब सुनी है ना कि चैरिटी बिगिंस एट होम, मीन्स जिसके लिए हमें दूसरों को बोलना है कि आप घर की साफ सफाई रखो या शहर की साफ सफाई रखो या अपने आसपास सब कुछ अच्छा रखो, उसके लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये सब फॉलो करना पड़ेगा। कि सपोज़ कि हम कहीं पे जा रहे हो ओके, बीच में हमें चॉकलेट खाने का मन हुआ, चॉकलेट खाई और उसमें से जो रैपर निकला है वो हमने रास्ते पे फेंक दिया, या तो फिर हमने हमारे घर के विंडो में से बाहर की साइड आउटसाइड फेंक दिया, तो वो क्या होगा, ये घर जो है हमने हमारा घर तो अच्छा रख लिया बट जो हमारे आजू बाजू जो है वहाँ पे गंदगी कर दी, है ना। और ये ओवरऑल हमारे सिटी या हमारे टाउन में भी ऐसी गंदगी होगी ना जो हम ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, कोई भी ऐसा वेस्ट जो हो हम फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत हमसे करेंगे कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ बाहर ना फेंके, डस्टबिन का ही यूज़ करें। कोई भी चीज़ें हम डस्टबिन का यूज़ किए बिना ऐसे ही थ्रो नहीं कर सकते ना, फिर डस्टबिन में से हम हमारे घर पे डोर टू डोर जो आते हैं वेस्ट कलेक्शन के लिए उसके वो वेस्ट कलेक्शन वन में डाल देते हैं, तो बिल्कुल हमारे आजू बाजू भी इतना साफ सुथरा रहता है और हमारे जो आजू बाजू इतनी सफाई रहती है उसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहती है ना। अब देखना जो गंदगी होती है उसके बीच में हमें रहना पसंद होगा, नहीं होगा, है ना। तो हमें क्या पे रहना पसंद है कि जो अच्छी चीज़ है जो अच्छी जगह है वहाँ पे रहना हमें पसंद है, ओके। तो हमें ये साथ साथ हमें ये घर की सफाई के साथ साथ ये ध्यान रखना है कि हम हमारी तरफ से तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत करेंगे कि इधर उधर कचरा नहीं डालेंगे, कुछ भी वेस्ट जो है हम हमारी विंडो में से बाहर डाल दिया, इससे तो अच्छा है कि डस्टबिन नज़दीक हम आपको मिलेगी विंडो तक डालने जाओ तो, बट फिर भी लोग ऐसा सोचते नहीं हैं। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे शुरुआत करेंगे कि हम एक भी कचरा ऐसा डस्ट ऐसा जो वेस्ट है हम घर से बाहर हम नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन का यूज़ करेंगे, ओके। तो क्या है, शुरुआत हमसे होगी तो भी और हम भी इसको फॉलो करेंगे, सभी लोग ऐसे सोचने लगे तो हमारा जो सिटी या फिर टाउन है वो एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। सेकंड है सुबह उठकर सैर करें, जल्दी उठो, ऐसा अक्सर आपने अपने बड़ों को कहते सुना होगा। तब आप क्या करते हैं, सुबह उठकर सैर करो, जल्दी उठो, ये सब बड़े लोग बोलते हैं ना, बट तब क्या करते हैं आप, कान में रुई डालकर सोते रहते हैं या फिर अपने से बड़ों की बातों का अनुसरण करते हो क्योंकि ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, या फिर सोचते हो कि ये तो रोज़ ऐसे ही बोलते हैं ना। तो ये दो तो ये फर्स्ट एंड थर्ड तो वो तो बहुत ही गलत बात है। तो हम क्या करेंगे, अपने बड़ों की बातों का अनुकरण करते हैं क्योंकि ऐसा करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो हम यहाँ पर टिक करेंगे सेकंड नंबर पर, ओके। देन थर्ड है अपने आसपास की जगह को साफ रखने में आने वाली दिक्कत जैसे लोगों द्वारा कूड़ा इधर उधर फेंकना आदि को कैसे हल करोगे। देखो अभी हमने देखा कि हम तो नहीं करेंगे, ओके, जैसे ये क्वेश्चन में हमने देखा फर्स्ट में कि अब शुरुआत तो हमसे करेंगे कि हम कोई भी वेस्ट बाहर ना डालें, बट यदि हमारे आजू बाजू वाले लोग जो हैं
वो हमारे घर की अराउंड ऐसे गंदगी करते हैं, ऐसे गार्बेज डालते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हमें तो ये पसंद नहीं, हमें तो हमारे जहाँ पे रहता है वहाँ पे आजू बाजू एकदम नीट एंड क्लीन चाहिए। बट वो साफ़ रखने के लिए हम क्या करेंगे कि दूसरे लोग यदि यहाँ पे कचरा फेंक रहे हैं वो वगैरह सब, तो क्या करेंगे? एक तो हम ये ध्यान रखेंगे कि वो नीट एंड क्लीन रहे, तो वहाँ पे ही इतना अच्छा होगा, तो दूसरों को भी वहाँ पे वेस्ट डालने के लिए पहले दो बार सोचना पड़ेगा, है ना। फिर या तो फिर भी ना समझे तो हम उसको शांति से समझा सकते हैं कि ऐसा वेस्ट जो है वो बाहर फेंकना वो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है, इट्स फॉर वेरी डेंजरस फॉर अवर हेल्थ ऑल्सो एंड ओवरऑल मदर नेचर के लिए भी ये बहुत ही बुरी बात है कि इतना वेस्ट हम इधर उधर फेंकते हैं। ओके, तो ओवरऑल जो उसका रिजल्ट मिलता है वो अभी नहीं तो कई सालों के बाद हमें ही भुगतना है। ओके, तो ये सब सारी चीज़ें हैं, हम उसको सिखा सकते हैं जो नहीं समझते उसको कि आप यहाँ पे इतना साफ़ सुथरा रखोगे तो हमारे लिए ही काफ़ी अच्छा रहेगा। या फिर ऐसे पोस्टर्स लगा सकते हैं हम कि लोगों में अवेयरनेस आए कि ऐसा हम कर रहे हैं वो सही में गलत है, हमें भी अब ऐसा नहीं करना चाहिए। या फिर कोई ऐसा कोई प्ले करके भी उन लोगों को समझा सकते हैं, हाँ, कि ये करना जो है उसका रिजल्ट जो मिलता है वो हमें भले अभी ना मिले, थोड़े सालों के बाद मिले, बट मिलेगा बहुत ही बुरा। तो ये सब हमें अब ध्यान रखना है कि हम हमारे अराउंड जो है वो भी सब कुछ अच्छा रहे ताकि ओवरऑल हमारी हेल्थ के ऊपर बुरी इफेक्ट ना पड़े। तो जैसा कि है ना ये चैप्टर का हेडिंग कि स्वास्थ्य ही धन है, हेल्थ इज वेल्थ, सो कीप इन अवर माइंड दैट कि हमें ये सब ध्यान रखना है। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।